यहाँ पर कुछ महीनों पहले यज्ञ हुआ था। मंदिर बहुत पुराना है, बचपन से आते हैं यहाँ। वो बाबा थे एगो जखम बाबा बोल के, बाबा यहाँ से कुछ दिन पहले गए हैं। उनका दिया हुआ एक तो है शिवपुराण, आदमी जो आता जाता है पूछता है, सब आसपास का आदमी भी आता है। 100 साल पुराना हम लोग मान सकते हैं ना, 100 साल के आसपास 100 साल तो होगा ही, होगा ना। हाँ ना, नितई महतो उनका दादा बनाए थे। ये बहुत जंगल था एकदम पूरा, आदमी यहाँ उतना के लिए डरता था पूरा। यज्ञ जब हुआ तब से इसको और अच्छा से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं बहुत अच्छा लोकेशन पे, यहाँ देख सकते हैं ब्रिज, और यहाँ पे दामोदर नदी है, ब्रिज है, और इस लोकेशन पर हम आए हैं बाबा अंकलेश्वर का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जहाँ पर हम सोचे कि चलो आप लोगों को ले जा करके दर्शन कराया जाए। इस मंदिर के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आपको बता दें लोकेशन, ये जो ब्रिज है ना जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, इस ब्रिज के वो साइड धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ही ब्रिज के वो साइड जाएंगे वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट होता है, तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में हम बोल सकते हैं कि ये बाबा का मंदिर है। अभी हम मौजूद हैं झारखंड राज्य के धनबाद जिला के सुदामडी में, और सुदामडी उधर हो जाता है, और जैसे सुदामडी पार करेंगे तो ये भोजडी एरिया जाता है। यहाँ पर हम आए हैं बाबा अंकलेश्वर का दर्शन कराने के लिए, तो चलिए चलते हैं। ब्रिज हम लोग क्रॉस कर गए हैं, वो रास्ता आता है ब्रिज से, और ब्रिज क्रॉस करते के साथ यहाँ पर मंदिर है। ये मंदिर हम आपको लेके जा रहे हैं, थोड़ा रास्ता मिट्टी का है, और इस रास्ते में हम साइकिल से आए हैं क्योंकि मेरा घर पास में ही है। साइकिल स्टैंड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर का कैंपस पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें, इधर देखिए, यहाँ पर कुछ महीनों पहले यज्ञ हुआ था। यज्ञ का वीडियो है हमारे चैनल पर, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और ये जो एरिया है ना, ये पूरा बोकारो डिस्ट्रिक्ट का है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट का भोजोडी एरिया है, और यहाँ पर ये पूरा कैंपस है। अभी हाल फिलहाल में एक भवन बना है, मंदिर का कार्यालय बोल सकते हैं बना है। यहाँ चबूतरा है, और चबूतरे के पास में बजरंगबली का एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं। हमारा जो मुख्य मंदिर है इस वीडियो का, बाबा अंकलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि यहाँ पर है। इस वीडियो का मुख्य मंदिर जहाँ पर हम आपको लेके आए दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, बाबा अंकलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि मंदिर बहुत पुराना है, बहुत ही ज्यादा। मंदिर के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मंदिर के पूजने पंडित जी हमारे साथ हैं, हम पंडित जी से बात करेंगे और मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि मंदिर की क्या महिमा है और मंदिर कितना पुराना है। सबसे पहले आपको प्रणाम, मंदिर कितना पुराना है? मंदिर बहुत पुराना है, हम तो 50 साल पहले से हम देख रहे हैं, बचपन से आते हैं यहाँ। तो उसका बाद वो बाबा थे एगो जखम बाबा बोल के, बाबा यहाँ से कुछ दिन पहले गए हैं। उनका दिया हुआ एक तो है शिवपुराण, मंदिर में है, ले आए। पहले में हमारे पास था, दुकान में रखे थे, तो ये मंदिर बन गया, फिर तब ले आए हैं उसको। अंकलेश्वर बाबा हम लोग का पुराना मंदिर है, बहुत आदमी जो आता जाता है पूछता है, सब आसपास का आदमी भी आता है। इस साल यज्ञ हुआ ना, तो वहाँ बनारस से शिवलिंग ला के बैठा के प्रतिष्ठा हुआ। बोल सकते हैं 100 साल पुराना हम लोग मान सकते हैं ना, 100 साल के आसपास। 100 साल तो होगा ही, होगा ना। हाँ, उससे कम नहीं होगा। क्या कि है ना नितई महतो, उनका दादा बनाए थे मंदिर। ये मंदिर पहले छोटा स्तर पर था, ये हाल फिलहाल में इसको रंगाई हुए करके थोड़ा सा और बढ़िया से सजाया गया। बहुत जंगल था एकदम पूरा, आदमी यहाँ उतना के लिए डरता था पूरा। यज्ञ जब हुआ तब से इसको और अच्छा से कर दिया गया। साल जग हुआ, एक साल पहला साल हुआ, अब फिर देखिए अगला साल क्या होगा। बाबा शुभ नाम आपका? मेरा नाम अजीत ठाकुर। तो दोस्तों ये मंदिर से जुड़ा हुआ मेरे मन में जो सवाल था, हम जानने का कोशिश किए, और आप लोग से आग्रह है, जो भी आसपास के लोग हैं वो तो जानते होंगे मंदिर के बारे में, लेकिन जो से बाहर के लोग हैं एक बार आइए मंदिर में, दर्शन कीजिए। और हमारा कोशिश रहता है कि जो भी हमारा मंदिर है उसे और बढ़ावा मिले, और आप लोग यहाँ आए दान दक्षिणा करेंगे, मंदिर और बढ़ेगा और तरक्की करेगा। और यही हमारा मकसद रहता है कि मंदिर को दिखाएं और आप लोग आके यहाँ पर दर्शन करें। चलिए मंदिर को और अच्छे से हम लोग आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आपको मंदिर के अंदर से हम आपको बाबा का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये बाबा अंकलेश्वर का मंदिर है, आप लोग से आग्रह है कि एक बार मंदिर आए, पूजा पाठ करें और बाबा का दर्शन जरूर करें। मंदिर के सामने का एरिया है, यहाँ पर अभी यज्ञ हुआ था हाल फिलहाल कुछ महीना पहले, और ये हमारा मंदिर है बाबा अंकलेश्वर का, जो कि बहुत ही मान्यता है इस मंदिर का। और मंदिर के पास में यहाँ पर तुलसी माँ का
स्थान है, यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों एक प्रयास था आपको यहाँ का मंदिर दिखाने का। फिर से बता दें आपको, ये मंदिर भोजोडी में है, भोजोडी बोकारो में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहें कि बहुत अच्छा अच्छा मंदिर है जहाँ पर आपको आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। जैसे हम यहाँ आए वीडियो बनाने के लिए साइकिल से थे, हम हमेशा आसपास में साइकिल से ही जाते हैं। एक साइकिल लेके आए, चार चार साइकिल यहाँ पे मौजूद हो गया। नाम बताओ तुम लोग अपना अपना। मेरा किशन, आपका नयन, सूरज। पूजा करने आते हो यहाँ पे? हाँ, हाँ, हाँ? हाँ। अच्छा, अभी यज्ञ हुआ था ना, यज्ञ में आए थे। यूट्यूब में देखा है? कब, कौन सा वीडियो? यूट्यूब पर देखे नहीं, आपको देखे। अच्छा, यूट्यूब में देखा है स्टेशन का। सेम हेयर, सेम हेयर।